नमस्कार, जय हिंद। SRG क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा तक हमने बस्तर संभाग, फिर सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिलों का अध्ययन कर चुके हैं। बिलासपुर संभाग में एक जिला हमारा बचा हुआ है, वो है कौन सा? रायगढ़ जिला। ठीक, तो आज की कक्षा में क्या पढ़ेंगे हम? ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, आज हम पढ़ेंगे रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला। चलिए, सब एग्जाम्स आ रहे हैं भैया ना, आप जल्दी जल्दी क्या है, जिलों को ख़त्म करेंगे। इसके बाद 10 जिले हमारे बचेंगे, मतलब लगभग इसके बाद के जो जिले हैं ना, उसको बड़े जिलों को छोड़कर बाकी को हम एक क्लास में 2 जिले लेते हुए चलेंगे, तो अराउंड 5-7 दिन में हम ख़त्म कर देंगे पूरे जिलों को। फिर जितना हमने जिलों में पढ़ा है, इन्हीं चीज़ों को कंपाइल करना है हमको टॉपिक के फॉर्म में। और जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो कुछ और भी चीज़ें जुड़ेंगी उसमें, तो उसको आप बस एडजस्ट करते चलिएगा, दिमाग को एकदम खोल के पढ़िएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। रायगढ़ जिला, तो रायगढ़ जिला देख लीजिए सबसे पहले कहाँ पे है, अभी क्या है। तो ये अगर हम बिलासपुर संभाग मान के चलें अपना, तो ये मुंगेली जिला कट जाता है। इस तरीके से ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कट जाता है, ये बिलासपुर जिला कट गया। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से देखिए, तो ये दो भागों में कटता है, ये कोरबा जिला है और ये जांजगीर चांपा जिला है। और ये वाला जो जिला हमारा बसता है ना, ये है रायगढ़ जिला। कौन सा है? रायगढ़ जिला। ठीक, तो उसी रायगढ़ जिले को हमको पढ़ना है आज। चलो भाई, एक उसका क्या बना लेते हैं, ओवरव्यू टाइप का कुछ बना लेते हैं। ये कुछ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारा जो रायगढ़ जिला है वो दिखता है। ठीक, सबसे पहले हम रायगढ़ जिले में क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे नेशनल हाईवे। ठीक, चलो यहां पर है हमारा जिला मुख्यालय रायगढ़। ठीक, तो अब सबसे पहले यहां पर एक नेशनल हाईवे आएगा, कौन सा? यहां से रांची की ओर चल देगा ये, सॉरी भुवनेश्वर की ओर। ठीक, ये है नेशनल हाईवे नंबर 49। अरे हमने देखा था ना शुरू में ही, ये इस तरीके से ये, तो रायगढ़ जिले को क्रॉस कर रहा है कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 49। ठीक, इसके अलावा एक नेशनल हाईवे और है यहाँ पे, देखिए, तो वो है इधर नीचे से आएगी, है ना, ये अभी आप इतने ही लेके चलिए, आगे हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे। ये है नेशनल हाईवे नंबर 153। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक, कौन कौन सी जगहें हमको पढ़ेंगी, तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक जगह मार्क करना है, ये है बोतलदा, बोतलदा की गुफाएं। ठीक, इसके बाद एक जगह पड़ेगा हमको खरसिया, बोतलदा की गुफाएं, फिर खरसिया। ठीक, खरसिया से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमको पड़ेगा सिंघनपुर की गुफाएं, सिंघनपुर की गुफाएं। इसके बाद तीन जगह रॉबर्टसन, भूपदेवपुर, किरोड़ी मूल, याद करते चलिए। देखिए, सबसे पहले बोतलदा की गुफाएं, फिर खरसिया पड़ेगा हमको, उसके बाद सिंघनपुर, फिर रॉबर्टसन, भूपदेवपुर और किरोड़ी मल। ये तीनों इंसानों के नाम पर है, तीन व्यक्तियों के नाम पर है, रॉबर्टसन, भूपदेवपुर और किरोड़ी मल। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुई बातें। अब चलो ये इसमें देखते हैं अपन 153 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो चंद्रपुर पड़ेगा हमको, कहाँ? जांजगीर चांपा जिले में, हमने पहले ही पढ़ रखा, ये चंद्रपुर है। ठीक, लगभग बॉर्डर में है चंद्रपुर का, कुछ लास्ट का जो हिस्सा है वो रायगढ़ जिले में भी काउंट होता है वैसे। ठीक है, देखो अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो सीधे आप आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे आपको पड़ेगा हरदी, हरदी के बाद यहाँ पे आपको पड़ेगा
सारंगढ़, ये वही सारंगढ़ है जो अभी जिला घोषित किया गया है, जिसको है ना अभी घोषणा हुई है, अभी जिला बना नहीं है, जब बनेगा तो अलग से इसका क्या कैसा मैप बनेगा वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर सारंगढ़ है, सारंगढ़ को अभी जिला घोषित किया गया है, ठीक। चलो अब यहाँ से एक रोड आप पकड़ के चलिए, फिर से चलिए इस तरीके से, यहाँ से एक रोड पकड़ के चलिए आप, यहाँ पर आपको पड़ेगा क्या, पुजारी पाली, पुजारी पाली, पुजारी पाली से फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको पड़ेगा बरमकेला और यहीं आगे में सरिया, ये दोनों तहसील है, बरमकेला सरिया तहसील है, ठीक है। और इस तरीके से ये रोड से जुड़े हुए हैं। तो देखिए सारंगढ़, सारंगढ़ से निकलेंगे तो आपको क्या पड़ेगा, पुजारी पाली, पुजारी पाली के बाद बरमकेला और सरिया, और यही बरमकेला सरिया जो है इसके दोनों साइड पे आपको दो ठो गांव याद रखने हैं, ठीक, बी और डी, बार गांव देवगांव, बार देवगांव कहते हैं इनको, और ये जो है इतिहास से संबंधित है छत्तीसगढ़ के, आगे देखेंगे क्या महत्व होता है। पहले जगहों को आप याद करके चलिए, फिर उनकी क्या महत्ता है उन जगहों की, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे, ठीक। बरमकिला, सरिया, बारगांव, देवगांव, ठीक। यहाँ से अब हम निकलते हैं आगे इस तरीके से। अब देखो यहीं पे हमको क्या क्रॉस हो रही है, ये चंद्रपुर से आ रही है ना, कौन सी नदी, महानदी क्रॉस हो रही है यहीं पे हमको, ये महानदी क्रॉस हो रही है। तो महानदी पर एक पुल बना हुआ है, ये रोड आगे आएगा और उसके बाद इसी रोड में यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, ठीक। और इस पुल का नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु, 1830 मीटर इसकी लंबाई है, याद रखेंगे 1830 मीटर। और इसके साथ छत्तीसगढ़ की सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज की हम बात करें तो वो यही है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु, महानदी पर बना हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ से फिर अब सड़क जो है हमारी वो इधर रायगढ़ की तरफ मुड़ जाएगी, है ना, और इस तरीके से ये रायगढ़ पहुँच जाएगी। बीच में दो तीन जगह और हैं, जैसे यहाँ पर पड़ेगा हमको तिलई पाली, तिलई पाली के बाद पड़ेगा लारा, और लारा के बाद यहाँ पर पड़ेगा पुसौर, ठीक। तिलई पाली, लारा, और लारा के बाद पुसौर, ठीक। जॉइंट कर देते हैं भाई इनको, देखो बोर लग रहा होगा ना थोड़ा सा, बट इतने को याद कीजिए आप, उसके बाद फिर सबको जब कनेक्ट करेंगे तो मज़ा आएगा, देखिएगा। देखो तो हमने अभी तक के क्या क्या कौन कौन सी जगहें देखी, देखो सबसे पहले बोतलदा, फिर खरसियाँ, फिर सिंगनपुर की गुफाएँ, उसके बाद रॉबर्टसन, भूपदेवपुर, किरोड़ीमल, उसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल हाईवे नंबर 153 में, हरदी और सारंगढ़ देखा हमने, इसके बाद यहाँ पर पुजारी पाली, बरमकेला, सरिया, फिर बारगांव देवगांव, यहाँ से फिर दिलीप सिंह जुदेव सेतु, फिर तिलई पाली, लारा, पुसौर, और फिर से रायगढ़, ठीक। एक राउंड घूम गए हम इसमें। अब देखो इधर ऊपर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो यहाँ पे आपको पड़ेगा एक जगह जिसका नाम है घर घोड़ा, घर घोड़ा, ठीक। अब इधर घर घोड़ा से एक सड़क इस साइड पे निकलेगी, देखो कुछ एक सड़क ऐसे निकलेगी और एक सड़क जो है वो ऐसे निकलेगी घर घोड़ा से। अब इसमें कौन कौन सी जगह हैं, तो देखो यहाँ पर पड़ेगा ओंगना, बसनाझर, कर्मागढ़, धर्मजयगढ़, ओंगना, बसनाझर, कर्मागढ़ और धर्मजयगढ़। इधर आपको पड़ेगा तमनार और लैलूंगा, तमनार और लैलूंगा, ये तो रायगढ़ है, है ना। इतनी जगहों के बारे में हमको देखना है, कहाँ, हमारे रायगढ़ जिले के अंदर। बॉर्डर्स की बात करें, ऊपर दो जिले आप ले लीजिए, सरगुजा और जशपुर, इस साइड पे अगेन दो जिले आएंगे, इधर आएगा कोरबा
नीचे है जांजगीर चांपा, ठीक, ये यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से, ठीक, ये रोड जांजगीर चांपा में, ठीक। तो कोरबा और जांजगीर चांपा, नीचे की बात करें तो नीचे आ जाएगा आपका बलौदा बाज़ार, इधर आ जाएगा महासमुंद, और ये टोटल है उड़ीसा, ठीक। यहीं से ये जो महानदी है ये निकल के जाती है कहाँ पे, कटक में, और कटक मतलब उड़ीसा में, और कटक के पास हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले नेशनल हाईवे नंबर 49 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमको पड़ता है क्या, बोतलदा की गुफाएँ, ठीक, बोतलदा की गुफाएँ। बोतलदा की गुफाएँ जो हैं, याद रखेंगे, सबसे लंबी गुफा की जब भी बात की जाती है, सबसे लंबी गुफा प्राचीन काल या पाषाणकालीन सबसे लंबी गुफा की हम बात करते हैं तो वो है बोतलदा की गुफाएँ, ठीक। खरसियाँ एक तहसील के रूप में आप याद रखेंगे। सिंघनपुर, सिंघनपुर जो है छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार की भित्ति चित्र मिलते हैं, दीवारों पर जो चित्रांकन किया गया है, और ये पाषाण काल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है सिंघनपुर की गुफा, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक, सिंघनपुर की गुफा। इसके आगे हम देखते हैं रॉबर्टसन। तो देखो, रॉबर्टसन जो थे, इधर देखते हैं, रॉबर्टसन एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे, ठीक। इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम रॉबर्टसन रखा गया है, और इस जगह में क्या है, तो यहाँ पर मोनेक स्टील प्लांट है, ठीक, मोनेक स्टील प्लांट कहाँ है, तो ये है हमारा रॉबर्टसन में। फिर भूपदेवपुर, भूपदेवपुर, ठीक, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भूपदेवपुर। तो भूपदेवपुर याद रखेंगे, जो यहाँ के जो राजा थे, रायगढ़ के राजा थे कौन, राजा भूपदेव सिंह, इन्हीं के पुत्र जो थे बाद में हुए राजा चक्रधर सिंह, तो राजा भूपदेवपुर, भूपदेव सिंह के नाम पर रखा गया है क्या, भूपदेवपुर। वहीं किरोड़ी मल की बात करें, या भूपदेवपुर के बारे में एक दो और फैक्ट अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पर है राम झरना, राम झरना, और इसी स्थान को इंदिरा प्रिय दर्शनी, दर्शनी स्थल भी कहा जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी, अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी झरना या राम झरना या इंदिरा प्रियदर्शनी दर्शनी स्थल कहाँ पर है, तो आप लगा कहेंगे क्या, भूपदेवपुर। इसके बाद किरोड़ीमल, किरोड़ीमल एक सेठ थे, अपनी सारी संपत्ति इन्होंने दान में दे दी थी, और उन्हीं के नाम पर किरोड़ीमल जो है वो जगह का नाम रखा गया था, ठीक। इसके बारे में आप और फैक्ट नोट कर लीजिए सिंघनपुर के बारे में, 1920 के आसपास एंडरसन नाम के अंग्रेज जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने इस जगह की खोज की थी 1920 के आसपास एंडरसन ने, ठीक। तो ये था किरोड़ीमल। अब आते हैं हम रायगढ़, तो रायगढ़ के बारे में बात करते हैं। देखो, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, जगह की कमी है थोड़ी सी। चलो ठीक, किरोड़ीमल, इसके बाद रायगढ़। किरोड़ीमल में एक चीज़ और देख लो आप, यहाँ पर है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कहाँ पर है, स्पंज आयरन की सबसे बड़ी कंपनी है छत्तीसगढ़ में, और ये है हमारी किरोड़ीमल में, ठीक। रायगढ़, देखो रायगढ़, 14 जो रियासतें थी छत्तीसगढ़ में, उनमें से एक, 14 रियासतों में से एक कौन सा, रायगढ़ रियासत। यहाँ के राजा थे राजा चक्रधर सिंह, राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह जो हैं वो स्वयं तबला वादक थे, साथ साथ कला प्रेमी भी थे। तो यहाँ पर रायगढ़ में चक्रधर समारोह बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखेंगे। चक्रधर समारोह कहाँ होता है, तो चक्रधर समारोह होता है रायगढ़ में, राजा चक्रधर सिंह के नाम पर, और इन्हीं के नाम पर छत्तीसगढ़ में सम्मान भी दिया जाता है कला के क्षेत्र में, राजा चक्रधर सम्मान। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कला के क्षेत्र में। तो ये रायगढ़ के बारे में आप याद रखेंगे।
फिर यहाँ पर नीचे आते हैं भैया ना, तो नीचे देखो यहाँ पर एक जगह आप और याद रखेंगे, कोड़ा तराई, कोड़ा तराई, यहाँ पर एरोड्रम है, कोड़ा तराई में एरोड्रम है, ठीक। इसके बाद हरदी, हरदी में याद रखेंगे आप हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी है एक याद रखेंगे। सारंगढ़, वैसे तो एक तहसील था लेकिन अब सारंगढ़ एक नया ज़िला बनने जा रहा है, तो आप वहाँ से रिलेट करके इसको याद रखेंगे, सारंगढ़ एक नया ज़िला बनने वाला है। पुजारी पाली, पुजारी पाली में है केवटिन माता का मंदिर, केवटिन माता का मंदिर, ठीक। केवटिन माता का मंदिर कहाँ पे है? पुजारी पाली में। अब देखो यहीं पर आपको ये वाला जो एरिया है यहाँ पड़ेगा गोमर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक, ये पूरा जो एरिया है। इसके बाद बरम केला सरिया तहसील के रूप में आप याद रखिए। और ये जो बारदेव गांव है ना, यहाँ पर हमको अशोक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अशोक के सिक्के, ठीक, अशोक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सरिया और यहाँ से फिर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु। तो देखो ये जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु है ना, ये सेतु छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है, लार्जेस्ट ब्रिज, सॉरी लॉन्गेस्ट ब्रिज है छत्तीसगढ़ का। कितनी है इसकी लंबाई? 1830 मीटर, 1830 मीटर, 1830 मीटर इसकी क्या है लंबाई है, ठीक, अराउंड 2 किलोमीटर आप मान के चलिए। इसके बाद यहाँ पर है तिलई पाली, तिलई पाली में है कोल माइंस, तिलई पाली में क्या है? कोल माइंस है, तिलई पाली कोल माइंस, ठीक। अभी रिवाइज करेंगे हम सबको एक बार, ठीक है, कुछ छूटी होगी चीज़ें वो कवर हो जाएंगे, अभी एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। देखो इसके बाद आ जाएगा क्या, लारा, तो लारा में है एनटीपीसी, एनटीपीसी का एक यूनिट है। इसके पहले हमने एनटीपीसी के दो यूनिट और पढ़े हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं याद कीजिए, एक पढ़ा है हमने सीपत और दूसरा पढ़ा है हमने जमुनी पाली, जमुनी पाली, और ये तीसरा है लारा। तो कुल मिला के 3 यूनिट एनटीपीसी के, कहाँ कहाँ? सीपत, जमुनी पाली और लारा, ठीक। इसके बाद पुसौर को क्रॉस करते हुए आप आ जाएंगे फिर से रायगढ़। ऊपर की बात करते हैं, देखो ऊपर इधर घरघोड़ा की बात करें तो घरघोड़ा में क्या है? घरघोड़ा में है ओपी जिंदल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो वो घरघोड़ा में है। इसके बाद देखो ये दो जगहें आप याद रखेंगे, इधर ये जो लेफ्ट साइड है ये है ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया, घरघोड़ा और रायगढ़ के बीच में लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया है। और आप याद रखेंगे ये ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया जो है प्रदेश का एकमात्र प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है, निजी औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा? ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक। इसके बाद ये जो राइट साइड वाला एरिया है यहाँ पर आपको पड़ेगा नलवा स्टील प्लांट, नलवा स्टील प्लांट, ठीक, नलवा स्टील प्लांट। नलवा जो है ये जो ओपी जिंदल हैं उनका गांव है हरियाणा में, उनका नाम है नलवा, तो अपने गांव के नाम पर यहाँ पर स्टील प्लांट की स्थापना उन्होंने की है, नलवा स्टील प्लांट, ठीक। इसके बाद ये घरघोड़ा, यहाँ पर तो हमने पहले ही बात कर ली ओपी जिंदल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। इसके बाद ये देखो ये ऊना कर्मागढ़ बसनाझर, तीनों आप याद रखेंगे पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है तीनों। फिर ये जो धर्मजयगढ़ है ये 14 रियासतों में से एक है, ये भी रियासतों में से एक, इसका नाम था उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत,
ऐतिहासिक समय के उदयपुर रियासत का संबंध किससे है, इस तरीके का प्रश्न आपसे कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे धरमजयगढ़ प्राचीन समय का उदयपुर रियासत है। ठीक, इसके बाद देखो तमनार, तमनार में है ओपी जिंदल पावर प्लांट, पावर प्लांट लेलुंगा है एक तहसील। ठीक, बहुत ज़्यादा मैं इसमें प्रशासनिक इकाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ अभी आपसे, है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली सब चेंजेस हो रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज हो जाने दीजिए, एक स्टैटिक डेटा अपने पास आ जाएगा, तब जाके हम उसको क्या है इसी में फिर से क्या करेंगे रिन्यू कर लेंगे या ऐड कर लेंगे बाद में। एक प्रॉपर डेटा आने दीजिए, क्योंकि अभी हर दो चार दिन में चेंज हो रहा है, तो अभी उसको याद करने का पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक, बदलती हुई चीज़ों को परीक्षा में नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक है, जब एक स्टैटिक प्रॉपर डेटा हमारे पास आ जाएगा तब जाके हम उसको यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। तो इस तरीके से इतनी सारी जगहें हमको पढ़नी थी, कहाँ पर, हमारे रायगढ़ जिले में। ठीक, देखो अब आगे देखते हैं ना, कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कवर करते हुए चलते हैं हम। देखो नदियों की बात करते हैं, देखो यहां पर आपको पड़ेगा ये ऊपर इस वाले एरिया में लुडेर, लुडेर या लुडेंग की पहाड़ी, लुडेंग की पहाड़ी पहाड़ी लुडेर या लुडेंग की पहाड़ी, और यहीं से निकलती है क्या आपकी एक नदी, कुछ इस तरीके से ये नदी आएगी और ये रायगढ़, और रायगढ़ से फिर इधर यहाँ से होते हुए ये उड़ीसा में जाके मिल जाएगी किससे, महानदी से। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ये बहुत हचपच हो गया मैप यहाँ पे, देखो। ठीक, ये कौन सी नदी है, तो ये है केलो नदी, केलो नदी, केलो नदी में ही यहाँ पर केलो परियोजना है, केलो डैम, केलो डैम, इसी को नाम दिया गया है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक, केलो डैम हो गया। अब देखो ये जो चंद्रपुर है, तो इधर से एक नदी इसमें आएगी, कौन सी, ये यहाँ से मैन पार्ट से आ रही है ना, ये कौन सी नदी, मांड नदी। इधर इस कॉर्नर में बह रही है कौन सी, बोराई नदी। इधर नीचे से आ रही है लात नदी, देखो सबका नाम लिख देता हूँ क्लियर हो जाएगा। देखो ये है बोराई, बोराई, ये है मांड, ये है लात, और ये है महा नदी। ठीक, तो इस तरीके से कुछ यहाँ नदियों का स्तर है, नदियों का स्ट्रक्चर है। चलो एक बार ना एक क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है, अभी तक के जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसको एकदम क्विक वे में देखते हैं। पहले देखो नेशनल हाईवे नंबर 49, तो नेशनल हाईवे नंबर 49 में सबसे पड़ेगा आप, पहले पड़ेगा आपको बोतलदा की गुफाएं, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफाएं हैं। ठीक, उसके बाद पड़ेगा आपको खरसियां, जो कि एक तहसील है। फिर आएगा क्या, सिंघनपुर, सिंघनपुर जो है यहाँ पर प्राचीनतम जो भित्ति चित्र वगैरह प्राप्त हुए हैं वो सिंघनपुर की गुफा में ही प्राप्त हुए हैं हमको, और ये सिंघनपुर की गुफा की खोज की थी 1910 में एंडरसन नाम के एक अंग्रेज पुरातत्वविद ने, इसके पहले मैंने शायद आपको 1920 कह दिया था, ये सुधार लेंगे आप, ये इसकी जो खोज है सिंघनपुर की गुफा की ये है 1910 के आसपास। ठीक, रॉबर्टसन एक अंग्रेज इंजीनियर थे, यहाँ पर है मोनेक स्टील प्लांट, भूपदेवपुर में इंदिरा प्रियदर्शनी स्थल या फिर राम झरना, किरोड़ीमल, किरोड़ी किरोड़ीमल में है JSPL या जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। फिर रायगढ़ 14 रियासतों में से एक, राजा चक्रधर समारोह और राजा चक्रधर सिंह सम्मान यहीं से। ठीक, कला के क्षेत्र में राजा चक्रधर सिंह सम्मान दिया जाता है। इसके बाद आते हैं कहाँ, कोड़ातरी, कोड़ातरी में एरोड्रम। ठीक, हरदी, हरदी जो है वो एक हवाई पट्टी है आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएंगे सारंगढ़, अभी नया जिला बनने वाला है। फिर यहाँ पर
पुजारीपाली, कैंपटीन माता का मंदिर है यहाँ पे, प्राचीन काल का है, ठीक, गुप्तकालीन आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद फिर गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर बरम किला सरिया तहसील बारदेव गांव में अशोक के सिक्के, फिर दिलीप सिंह जुदेव सेतु 1830 मीटर इसकी लंबाई है, छत्तीसगढ़ का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, दिलीप सिंह जुदेव सेतु। फिर आ जाएंगे तिलईपाली, कोल माइंस है यहाँ पर, लारा एनटीपीसी है, इसके अलावा दो एनटीपीसी और कौन कौन से हैं, तो सीपत में और जमुनीपाली, इसके बाद पुसौर और फिर रायगढ़। फिर यहाँ से रायगढ़ से नेशनल हाईवे नंबर 153 को पकड़ के हम ऊपर जाते हैं तो हमको पड़ता है घरघोड़ा, लेकिन घरघोड़ा जाने से पहले जो लेफ्ट साइड में हमको एरिया पड़ेगा वो है ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया, अर्थात प्रदेश का एकमात्र ये क्या है, निजी क्षेत्र का इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक प्रक्षेत्र है, ठीक। अब राइट साइड पर देखेंगे तो राइट साइड पर हमको पड़ेगा नलवाल स्टील प्लांट, यहाँ नीचे केलो नदी पर हमको केलो डैम या फिर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना यहाँ पर हमको मिलती है, ठीक। कौन सी नदी पर, केलो नदी पर, केलो नदी कहाँ से, लुड़ेर या लुड़ेंग की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। घरघोड़ा आ गए, घरघोड़ा के बाद ये जो उमना बसनाझर कर्मागढ़ है ये पाषाणकालीन स्थल है, ठीक। इनके क्रम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ ना, पहले उमना आता है कि कर्मागढ़ आता है, इसको आप बस ये तीन जगह आप याद रखिए, उमनागढ़, उमना, कर्मागढ़, बसनाझर, ठीक, पाषाणकालीन स्थल है ये। धरमजयगढ़ मतलब प्राचीन काल का उदयपुर रियासत, ठीक। फिर यहाँ पर तमनार, तमनार में आ जाएगा ओपी जिंदल पावर प्लांट और लेलुंगा एक तहसील है। इन सब के अलावा एक चीज़ आप यहाँ पर और याद रखेंगे, इधर वाला जो एरिया ना ये है कबरा पहाड़, पूछ देता है कई बार कबरा पहाड़ कौन से जिले में है, तो रायगढ़ जिले में है। और इसके साथ ही याद रखेंगे कबरा पहाड़ भी पाषाणकालीन जो संस्कृति है उससे संबंधित है, कहीं ना कहीं पाषाणकालीन के स्थल हम कबरा पहाड़ को भी मानते हैं क्योंकि यहाँ से भी हमको बहुत सारे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये जो हमारा ज़िला है जो कि 1948 में बना था रायगढ़ ज़िला, ये ख़त्म होता है हमारा, ठीक। अब रायगढ़ ज़िला ख़त्म हो गया, अब हमारे पास दो संभाग और हैं, कौन कौन से, तो दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, फटाफट हम उसको भी अब कवर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए चलिए इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।